हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में देखते हैं कि आप जिस पर्सन को चाहते हो, क्या वो अपना प्यार आपको कन्फेस करेंगे। ठीक है, तो हम ये देखेंगे। ऑल साइन रीडिंग है। जो भी पॉइंट्स आपके साथ रेजोनेट करता है, आप उसी को लीजिए, बाकी किसी और के लिए होगा। सबसे पहले देखते हैं, ठीक है, आपके पर्सन और आपके बीच में क्या करंट एनर्जीज है। आपके और आपके पर्सन के बीच की करंट एनर्जीज, अभी की करंट एनर्जीज क्या है। आपके और आपके पर्सन के बीच की करंट एनर्जीज क्या है इस वक्त। अनप्रिडिक्टेबल और अनसीन, ऑब्स्ट्रक्टेड, सफोकेटिंग, मिसिंग समवन, लॉन्गिंग, क्या करंट सिचुएशन है आपके और आपके पर्सन की। डेंजर अहेड, नॉट द राइट पाथ। और लास्ट कार्ड यहाँ पर आ रहा है, लॉस्ट, नो होप, डिस्पेयर, इट्स ओवर, नो चांस, टोटल एंडिंग। अच्छा, हाँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में इस वक्त नो कांटेक्ट सिचुएशन है। आप या आपके पर्सन आपसे, आप दोनों एक दूसरे से अभी नो कांटेक्ट में हो, बात नहीं कर रहे हो। पर बात नहीं करने के बावजूद भी या तो आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, या ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। ठीक है, बहुत मिस कर रहे हैं, हो सकता है रोते भी हो, क्योंकि आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हो चुकी है पास्ट में, जहाँ की जिसमें कि आपका भी कंट्रोल नहीं था, इस पर्सन का भी कंट्रोल नहीं था। कुछ चीज़ें थी अनप्रिडिक्टेबल, ऐसा लगता है जैसे पता नहीं था कि ऐसा होने वाला है आप दोनों के रिलेशनशिप में। आप दोनों को लगा था कि रिलेशनशिप अच्छी तरीके से चलेगा, आगे ठीक रहेगा सब कुछ, पर ऐसा कुछ हुआ कि सब कुछ चेंज हो गया। कुछ ऐसे मजबूरी आ गई आप दोनों के बीच में, जिसकी वजह से आप दोनों को अलग होना पड़ा। पर अलग होने के बावजूद ऐसा लगता है कि या तो आपने बाउंड्रीज बना दी, इस पर्सन ने बाउंड्रीज बना दी, कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई ना चाहते हुए। पर होने के बावजूद भी, इस तरीके की सिचुएशन होने के बावजूद भी, एक दूसरे के लिए बहुत लॉन्गिंग है, एक दूसरे के लिए तड़प है, प्यार है, और बहुत मिस करते हैं आप लोग रह रहे के। एक दूसरे की बहुत याद आती है। आप दोनों अभी भी चाहते हो कि आप दोनों एक दूसरे से मिल जाओ और सब कुछ चीज़ें ठीक हो जाए, पर ऐसा लगता है कि दूसरे का इंटरफ्रेंस है, क्योंकि किसी थर्ड पार्टी का इंटरफ्रेंस है या कोई सामाजिक इंटरफ्रेंस है, जिसकी वजह से आप दोनों ही इस सिचुएशन को, आपको लगता है या आपके पर्सन को लगता है कि ये अभी सही डिसीशन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर है लॉस्ट, नो होप और डिस्पेयर। ठीक है, आपके पर्सन या आप बहुत ज़्यादा डिस्पेयर में हो, उदास हो, ऐसा लग रहा है कि कोई उम्मीद ही नहीं है। इस तरीके की सिचुएशन है। आप कोई इस सिचुएशन से जो है, आप दोनों का जो रिलेशनशिप है, उसमें कोई फ्यूचर नहीं नज़र आ रहा है। इट्स ओवर, नो चांस, टोटल एंडिंग। हो सकता है इस रिलेशनशिप में ऐसी सिचुएशन आई है जहाँ की पूरी तरीके से आप दोनों ने एक दूसरे से कम्युनिकेशन ही बंद कर दिया है। एक्स लवर और अनफिनिश्ड का भी कार्ड है। हो सकता है ये पर्सन अब आपके, या आप इस पर्सन के एक्स लवर बन के रह गए हो, और कुछ पर आप दोनों के बीच में अनफिनिश्ड है। कुछ चीज़ें हैं, कुछ बातें हैं जो बहुत आप भी इस पर्सन से करना चाहते हो, ये पर्सन भी आपसे करना चाहते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, ये तो आपकी सिचुएशन थी, तो देखते हैं कि क्या ये पर्सन अपने प्यार को कन्फेस करेंगे। क्या ये पर्सन अपने प्यार को, आपके लिए जो प्यार है, क्या उसे कन्फेस करेंगे आपको। क्या ये पर्सन अपने प्यार को कन्फेस करेंगे। पहला कार्ड देखते हैं, ईगो, एट ऑफ अर्थ। क्या आपका, आपके जो पर्सन हैं, क्या वो अपने प्यार को कन्फेस करेंगे। द चैरियट, क्या आपके पर्सन अपने प्यार को कन्फेस करेंगे।
नाइट ऑफ अर्थ, या आपके पर्सन अपने प्यार को कन्फेस करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन, और टू ऑफ वाटर्स, एम्परर। ठीक है, तो यहाँ जो साइन दिख रहे हैं मुझे वो है कैप्रिकॉर्न, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, कैंसर स्कॉर्पियो, पाइसीस, कैंसर और टॉरस वर्गो और कैप्रिकॉर्न। तो क्या आपके पर्सन अपना प्यार कन्फेस करेंगे? ठीक है, अगर मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में अगर ये पहले का रिलेशनशिप है और आप दोनों के बीच में ब्रेकअप हुआ है, तो हो सकता है कि आपके पर्सन किसी जैसे ऑब्स्ट्रक्टेड सफोकेटिंग भी आया है। साथ में यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर जो है ये बर्ड जो है केज में है, पर ये जो केज का जो गेट है खुला हुआ है, तो आपके पर्सन जो है एक ऐसा लगता है कि सिचुएशन में फंस चुके थे जहाँ की वो निकल सकते हैं, वो चाहे तो वो आपकी तरफ आ सकते हैं। ठीक है, पर हो सकता है किसी फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से आपके पर्सन रुक गए थे, या तो हो सकता है अपने करियर की वजह से, या किसी ऐसे फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से, या उस वक्त ये पर्सन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते थे जिस वजह से ये रुक चुके थे। ठीक है, और साथ में मुझे लगता है इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा वेट किया है और बहुत ज़्यादा आपको भी वेट कराया है। साथ में इस रिलेशनशिप में हो सकता है कि आपके तरफ से भी थोड़ा ईगो रहा है, इस पर्सन की तरफ से भी बहुत ज़्यादा ईगो रहा है, जिसकी वजह से भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आई है। तो आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है एक बहुत मेजर और गुड चेंज आप दोनों के रिलेशनशिप में आने वाला है। जो पहले आप दोनों की जो सिचुएशन ये चल रही है उससे बिल्कुल ऑपोजिट अब आपकी आने वाले समय में सिचुएशन होने वाली है। देखिए, ये पर्सन अपने तरफ से एफर्ट करेंगे इस रिलेशनशिप में। ठीक है, एफर्ट करना चाहते हैं, क्यों एफर्ट करना चाहते हैं ये पर्सन, क्यों इस रिलेशनशिप में काम करना चाहते हैं, क्यों डिटेल्स देख रहे हैं, क्यों आपके बारे में और भी जानना चाहते हैं, और भी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, वो इसलिए क्योंकि ये पर्सन अभी भी आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, आपके लिए रोते भी हैं, तो इस वजह से ये रिलेशनशिप में अपने तरफ से कुछ आइडियाज़ निकालेंगे और इस रिलेशनशिप में काम करना चाहते हैं। तो ये एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, ये पर्सन अपने तरफ से लाएंगे ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि जब से ये इसके आपके पर्सन के लाइफ में एक आपसे ब्रेकअप हुआ है, तब से ऐसा लगता है जैसे उनके लाइफ में सब कुछ अपसाइड डाउन टर्न हो चुका है। मतलब सब कुछ बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो गया है, जो ये पर्सन एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। पहले तो ये पर्सन अपने ईगो और अकड़ की वजह से ये पर्सन ने आपके साथ बात नहीं की, या फिर अपने करियर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया, और जिसकी वजह से ये आपसे ओपन अप होके अपने बात आपसे नहीं की। ठीक है, पर अब ये पर्सन आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसमें डेफिनेटली अपना एफर्ट देना चाहते हैं, वर्क करना चाहते हैं। और देखिए, चैरियट और टू ऑफ वाटर, ये पर्सन अपना प्यार आपको ज़रूर ज़रूर कॉन्फेस करेंगे। ठीक है, देखिए, चैरियट का कार्ड आगे बढ़ते हुए, टू ऑफ कप्स आपकी तरफ आगे बढ़ते हुए, ये पर्सन अपने फीलिंग्स का कप आपको देंगे और आप भी इनके फीलिंग्स का कप जो है दोनों एक दूसरे से शेयर करेंगे। आप दोनों के बीच में रिकन्सिलेशन भी, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, रिकन्सिलेशन आप दोनों के बीच में पक्की है। अगर आप दोनों रिलेशनशिप में नहीं आ सकते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन है, तो ये पर्सन दोबारा आपके साथ फ्रेंडशिप का बॉन्ड ज़रूर बनाएंगे। यहाँ एम्परर का भी कार्ड है। ठीक है, ये पर्सन बाई हुक और बाई क्रुक, देखिए फाइव ऑफ एयर भी है, तो ये पर्सन अब स्ट्रेटजीज लगाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसे प्लानिंग करेंगे, बाय हुक और बाय क्रुक कैसे भी तरीके से ये पर्सन आपके तरफ आना चाहते हैं, कुछ एक मेजर डिसीजन लेना चाहते हैं, और ये पर्सन आपके तरफ आएंगे। तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पॉजिटिव नज़र आ रहा है, ये पर्सन आपको अपना प्यार कन्फेस ज़रूर करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन अभी इसी वक्त आपको क्या कहेंगे, अगर कि कुछ कहना चाहते हैं तो आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं, आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं।
अभी इसी वक्त आपके पर्सन आपको क्या कहना चाहते हैं? अभी इसी वक्त मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं अभी इसी वक्त? क्या कहना चाहते हैं आपके पर्सन? तो यहाँ पर है पहला कार्ड कार्मिक पार्टनर, दूसरा कार्ड है आई नो यू मिस मी, आई वॉन्ट टू टच यू, थैंक यू फॉर द रीजन आई स्माइल, होप यू विल अंडरस्टैंड मी, विल यू एक्सेप्ट द रियल मी। ठीक है, तो आपके पर्सन इस वक्त आपको किसी वक्त जो कहना चाहते हैं कि वो ये है कि हो सकता है आपके पर्सन अभी किसी कार्मिक सिचुएशन से बाउंडेड है जिसकी वजह से ये पर्सन ने आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसमें आप दोनों के बीच में यहाँ ब्रेकअप आया था। ठीक है, तो आपके पर्सन ये बोलना चाहते हैं कि अभी वो इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। आई नो यू मिस मी, उनको पता है कि आप भी उनको मिस करते हो, वो भी आपको मिस करते हैं। आपके पर्सन आपको टच करना चाहते हैं, आपका हाथ पकड़ना चाहते हैं, आपको छूना चाहते हैं। वो जो भी उन्होंने आपके साथ किया है वो ये बोलना चाहते हैं कि आई होप यू विल अंडरस्टैंड मी। ठीक है, आपके पर्सन बोलना चाहते हैं मैं उम्मीद करता हूँ या करती हूँ कि तुम मेरे कंडीशन को समझने की कोशिश करोगे कि मैं ना सॉरी मैंने ऐसा क्यों किया। ठीक है, अगर ऐसा आप दुख दिया तो क्यों दिया। थैंक यू फॉर द रीज़न आई स्माइल, आपके पर्सन आपके बारे में सोच के जो आपके साथ मेमोरी स्पेंड की है तो सर सोच के उनके चेहरे में एक स्माइल आती है, आप उनके खुशी के रीज़न हो। विल यू एक्सेप्ट द रियल मी? ठीक है, आपके पर्सन ऐसा लग रहा है सेल्फ कॉन्शियस इस वक्त ज़्यादा हो चुके हैं, उनको ऐसा लग रहा है जैसे वो इतने अच्छे नहीं है कि आप उनको एक्सेप्ट करोगे। ठीक है, आप उनको दोबारा से अपनी लाइफ में मौका दोगे तो, क्योंकि उन्होंने पास्ट में जो जो भी किया है आपके साथ, अगर कोई गलतियाँ की हैं तो उनका भी रिग्रेट होता है, साथ में अपने खुद को लेके भी एक सेल्फ कॉन्शियस आपके पर्सन है और उनको लगता है कि वो इतने अच्छे नहीं है कि आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे। वो आपको बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं और उनको ऐसा फील होता है। ठीक है, एंड ऑफ द डेक भी आया है आई विल वेट फॉर यू, तो आपके पर्सन बोलना चाहते हैं वो आपका इंतज़ार करेंगे और दिस कनेक्शन गिव्स मी हार्ट प्लेजर। ठीक है, आपके पर्सन बोलना चाहते हैं कि ये जो कनेक्शन है आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा प्लेजर देता है, दिल में सुकून देता है। लेट्स फॉरगेट द पास्ट, लेट बी फ्रेंड्स अगेन। आपके पर्सन ये भी बोलना चाहते हैं चलो पास्ट को भूल जाते हैं और दोबारा दोस्त बन जाते हैं, क्योंकि टू ऑफ कप्स फ्रेंडशिप का भी कार्ड है। ठीक है, ये पर्सन आपके साथ दोबारा फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, भले ही रिलेशनशिप ना हो कम से कम फ्रेंडशिप का बॉन्ड आप दोनों के बीच में बने रहे, ये पर्सन ऐसा चाहते हैं। तो आपके पर्सन डेफिनेटली आपको कन्फेस करेंगे। ठीक है, 2 मंथ का टाइम लग सकता है और किसी किसी के लिए हो सकता है एकदम अचानक से ये पर्सन आ जाए। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है 2 मंथ तक का टाइम लगे। तो ये थी आज की रीडिंग, होप आपके साथ रेजोनेट हुई है, अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, साथ में क्लेम दिस रीडिंग। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।